विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसाद पर। इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। जनाब हुसैनी साहब, जनाब मुकर बाबा साहब, जनाब खादर साहब और इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के वर्कर थे और हमारे एरिया के डीसी थे। जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसा रमज़ान किट बांटा जाता है, बतकम्मा में बतकम्मा की साड़ी दी जाती है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स निकलते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, हम हमारी जानिब से बराबर उस सारे प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि हमारा मकसद यही है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे आवाम को किस तरीके से फ़ायदा हो। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह यही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर तकरीबन 20 मसाजिद में रोज़ा खोला जाता है, खाना खिलाया जाता है और हज़ारों की तादाद में गिफ्ट बांटा जाता है। उसी तरह इस बतकम्मा सीज़न में भी कई हिंदू बस्तियां हैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जैसा सत्या नगर है, मुरली नगर है, मोची कॉलोनी है और दीगर इलाकों में हिंदू आबादियां काफ़ी हैं। इस बतकम्मा साड़ी का जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, हम बराबर हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हमारे हिंदू बहनों काफ़ी तादाद में रहते हैं, उनको उस बतकम्मा की साड़ी मिलना चाहिए और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वो सारे चीज़ों में कामयाब हो रही है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ये नहीं देखती क्रिसमस आया तो क्रिश्चियंस को बांटना है, मुसलमानों को रमज़ान में देना है, दशहरे में बतकम्मा के वक़्त पे बतकम्मा की साड़ी देना है। हमारा मकसद एक ही है, हमारी आवाम को गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी स्कीम्स निकलते हैं, वो किस तरीके से आवाम के दरमियान में पहुंचना चाहिए, हम बराबर हिस्सा लेते हैं और इंशाल्लाह ताला हर गवर्नमेंट के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हमारी आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आप तमाम का। एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स की एजेंट है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर महीनों में अपने अपने एरियो में तरह तरह की कावा भी कराती है। इसके अलावा यही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से स्पोर्ट्स के भी तवज्जो किया जाता। आप जैसा देख सकते हैं बहादुर के अंदर कई ग्राउंड्स हैं, उस ग्राउंड में कई बच्चे आके स्पोर्ट्स खेलते हैं और हम लोग नुमाइंदगी करे थे बाजार से कि हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स का मटीरियल होना चाहिए, बच्चों की ख्वाहिशों पर बोला गया। उसके तहत स्पोर्ट्स मटीरियल आया, हर ग्राउंड के अंदर भी उस बच्चों से कॉर्पोरेटरों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ के नौजवान बच्चे कॉर्पोरेटर के पास स्पोर्ट्स मटीरियल रखा हुआ है, वो अपने स्पोर्ट्स मटीरियल को कॉर्पोरेटर से ले सकते हैं और अपने स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज, हम सारे खुशनसीब हैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हमें इस चंदूलाल सालार मिलत स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट चंदूलाल बाराणसी में मिला। ये आज जो हम बैठे हुए हैं ये हमारे सदर बैरिस्टर अशोकुद्दीन मुंशी साहब की मेहनत है, उनकी कारकर्दगी है। उन्होंने 35 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिया है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जूडो है, बैडमिंटन है, कैरम बोर्ड है और दीगर स्पोर्ट्स के अलग 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 शोबे बने हुए हैं यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह साल के 12 महीने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चल रहा है और यूथ जनरेशन से छोड़कर उम्र 80 और लोग भी आकर यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को यूज कर रहे हैं। ये काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करी है।
हम भरकर निंदन कोशिश कर रहे हैं हर छोटे में हमारी कारकर्दगी हो हमारी मेहनत हो उसमें हम आवाम को जितना होकर के सौगत पहुंचाए यही हमारा मकसद है। मंदिर सत्याग्रह मुखर्जी का अब काफी देर हो चुकी है अब प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। मैं हमारे पूरे पार्षदों को इस अपने अपने इंडिविजुअलों के स्पोर्ट्स की टीम में वो अपने एरियों में लेकर जाकर आवाम के दरमियान को स्पोर्ट्स किट को दे सकेंगे। कुछ कमी पड़ेगी स्पोर्ट्स किट की तो उन लोगों अपनी बैठ के बातचीत कर रहे थे वैदा भी किए हैं साहब हम हमारी तरफ से और मटीरियल में भर्ती करके हमारे आवाम को देंगे। भाई सारे लोग बैठ जाइए जरा बैठ जाइए इसका नाम पुकारो वो आ गया बाकी के लोग बैठ जाओ इसके बाद जनाब इमरान साहब मोहम्मद इमरान बहादुरपुरा मोहम्मद इमरान लेना बस कोई भी नहीं करते मनान भाई इधर जाओ जी सलमान शाह सलमान शुक्रिया सैयद कलीम साहब नसीम साहब बंदर बोला आ गए आ गए हाँ नसीर भाई दादा भाई सही दादा साहब साकेत भाई बंदर बोला साकेत भाई आजम आजम एजाज पाशा हाफिज मोहम्मद अली साहब आरू साहब सैयद फारूक हाफिज साहब नहीं आप दीपेश दीपेश वर्मा बाबा भाई सैयद बाबू साहब भाई Thank you.